So hey, what's up guys, welcome back to the channel everyone. IPL 2020 का मैच नंबर 44 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स. RCB की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. बात करें RCB की तरफ से, ओपन करने उतरे देवदत्त पड़िकल और एरन फिंच. ओपनिंग ठीक ठाक रही, 3.5 ओवर यानी कि 4 ओवर में 31 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी. वहां पर गिरा विकेट एरन फिंच का. फिंच ने 11 बॉल में 15 रन बनाए, सैम करन ने इनका विकेट लिया. इसके बाद देवदत्त पड़िकल भी सस्ते में आउट हो गए, 21 बॉल में 22 रन देवदत्त पड़िकल ने मारे, सैंटनर ने इनका विकेट लिया. विराट कोहली और एबी डिविलियर्स दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई और अच्छी पार्टनरशिप थी, करीब 70-80 रन की वो पार्टनरशिप थी, लेकिन थोड़ी स्लो पार्टनरशिप थी वो. वहां पर बात करें, विकेट गिरा एबी डिविलियर्स का. डिविलियर्स ने 36 बॉल में 39 रन मारे जरूर, लेकिन 108 का स्ट्राइक रेट था. उसके बाद मोइन अली आए, मोइन अली ने मात्र 2 बॉल खेली, 1 रन बनाए, सैम करन ने इनका विकेट लिया. विराट कोहली भी आउट हो गए, 43 बॉल में 50 रन विराट कोहली ने मारे, इनका भी स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 116 का था. और इसने 5 बॉल में 2 रन बनाए और नीचे वॉशिंगटन सुंदर ने आके एक चौका मारा. और यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 20 ओवर में 145 पे पहुंच चुकी थी. बात करें सीएसके की टीम, 146 के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी ऋतुराज गायकवाड़ और फैव डुप्लेसिस. और आज यहां पर यंग प्लेयर्स ने स्पार्क दिखाई है. यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छा खेले, उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी. डुप्लेसिस भी अच्छा खेल रहे थे, डुप्लेसिस ने 13 बॉल में 25 रन मारे, क्विक फायर करी और क्रिस मॉरिस ने इनका विकेट झटका. अंबादी रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों के बीच में भी अच्छी पार्टनरशिप हुई, करीब वो 70-80 रन की पार्टनरशिप थी. वहां पर राइडू बोल्ड हो गए, 27 बॉल में राइडू ने 39 रन बनाए और युजवेंद्र चहल ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया. लेकिन बहुत देर हो गई थी, यहां पर सीएसके की टीम ऑलरेडी मैच में बहुत ज्यादा आगे थी. और यहां पर आपको बताऊं तो आखिरी के 4 ओवर में मात्र 15 रन चाहिए थे जीतने के लिए और धोनी ने आके थोड़ा सा फिनिशिंग टच दिया और ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा खेले और सीएसके की टीम ये मुकाबला जीत चुकी है. अब आरसीबी की टीम को एक और मैच रुकना पड़ेगा क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन काफी अच्छा मैच देखने को मिला सीएसके के फैंस के लिए. मैं अर्चित जैन मिलूंगा आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.